हेलो, इस वीडियो का जो क्वेश्चन है वो है इन डिटेल डिस्क्राइब द रोल्स ऑफ कॉमन लैंग्वेज रन टाइम इन डॉट नेट फ्रेमवर्क। अब कॉमन लैंग्वेज रन टाइम जिसको हम बोलते हैं CLR, इसका डॉट नेट फ्रेमवर्क में क्या रोल है वो बताना है। सो इट इज़ द बेसिक एंड वर्चुअल मशीन कंपोनेंट ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क, जिसका काम क्या है टू प्रोवाइड रन टाइम एनवायरमेंट, एंड यही है वो कंपोनेंट जो पूरे कोड को रन करता है। सो इट इज़ अ बेसिक वर्चुअल मशीन कंपोनेंट दैट प्रोवाइड्स रन टाइम एनवायरमेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड्स। अब ये करता है क्या, अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग रन टाइम प्रोवाइड करने के अलावा ये प्रोवाइड करता है कुछ अलग सर्विसेज, जिससे कि जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है वो ईजी हो जाता है। सो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं ऑफ यूजिंग CLR। सबसे पहला तो है एक रिच इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है बिटवीन वेरियस प्रोग्राम्स एट रन टाइम। पोर्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करता है, मेमोरी मैनेजमेंट जो होती है जस्ट लाइक जावा इसमें ऑटोमेटिक होती है गार्बेज कलेक्शन, और स्केलेबिलिटी को सपोर्ट करता है, मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग को भी ये सपोर्ट करता है। सो जितने भी अगर आप कह सकते हो इसके बेनिफिट्स हैं डॉट नेट प्रोग्रामिंग के, जितने आपके जावा के एडवांटेजेस थे जैसे कि मल्टी थ्रेडिंग हो गई, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट हो गई, वही सब चीज़ें डॉट नेट का फ्रेमवर्क के अंदर कौन प्रोवाइड करता है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। तो अब इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, मेन चार कंपोनेंट्स होते हैं इसके। सबसे पहला होता है CLS, जो कि है कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन या CLS, देन कॉमन टाइप सिस्टम जिसको हम बोलते हैं CTS, कॉमन टाइप सिस्टम CTS, देन गार्बेज कलेक्शन, एंड फाइनली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जस्ट इन टाइम कंपाइलर। दैट इज JIT। सो इनका काम क्या है, देखो लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन का काम क्या है, डिफरेंट डॉट नेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो रूल्स होते हैं उसको एक कॉमन फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना। देन CTS का काम क्या होता है, डिफरेंट डाटा टाइप्स जो हैं अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उनको एक सिंगल या फिर एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। गार्बेज कलेक्शन जो होती है उसमें क्या है कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है जिसका काम नहीं है तो ऑटोमेटिकली उसकी जो मेमोरी है उसको रिलीज करना, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक होती है। जस्ट इन टाइम कंपाइलर का काम क्या है, इंटरमीडिएट लैंग्वेज जो जनरेट हो रही है, जो मिसिल जनरेट हो रहा है, इट इज़ MISIL, जो कि हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, उसको एक मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करना। तो ये जो चारों काम है ये कौन करता है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम जिसको हम बोलते हैं CLR। तो एक सिंपल सा हम इसका देखते हैं कि किस तरह से CLR काम करता है हमारे पास। तो सबसे पहले तो हमारे पास है सोर्स कोड। अब ये सोर्स कोड किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो सकता है, लेट अस से C#, जावा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हो सकता है। देन इस लैंग्वेज का कंपाइलर, सो स्पेसिफिक कंपाइलर हर लैंग्वेज के हिसाब से कंपाइलर तो अलग ही होगा। उसके बाद यहाँ पे जनरेट होता है इंटरमीडिएट कोड जिसको हम बोलते हैं MSIL, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। आप लिख सकते हो इसको, इसका मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ठीक है, अब यहाँ से ये जो कोड है इट गोज़ इनटू जिसको हम बोल सकते हैं कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, दैट इज CLR। सो ये जो है ग्रीन पेन से जो मैंने शो किया है ये CLR का बॉक्स है। तो जो इंटरमीडिएट कोड है वो जाता है किसके पास, JIT कंपाइलर के पास, और JIT कंपाइलर से वो कन्वर्ट होके मिल जाता है हमें नेटिव कोड, जो कि है बेसिकली मशीन कोड, और ये मशीन कोड फर्दर फिर एग्जीक्यूशन करता है। सो इस तरह से CLR काम करता है, डेट इज सोर्स कोड,
कन्वर्ट होता है किसमें, इंटरमीडिएट लैंग्वेज में विद द हेल्प ऑफ दिस स्पेसिफिक कंपाइलर, देन इंटरमीडिएट कोड जाता है GIT कंपाइलर के पास, और फाइनली हमें मिलता है नेटिव या मशीन कोड जो एग्जीक्यूशन करता है. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब टू YouTube चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स. थैंक यू.